ऑडियंस वेलकम टू वी पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। आई एम योर होस्ट फराज दरवेश। आज का जो इंटरव्यू है शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जो शख्सियत आज मैं ज्वाइन कर रही है, मेरा इनसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का रिश्ता है। शायद मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जर्नलिस्टिक जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करूँ, और जो है और साथ साथ जो एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है मेरा जितनी शख्सियत से वो भी कायम दायम रहे। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान के द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रहे हैं। बहुत की रोल इन्होंने प्ले किया है जो अदलिया बहाली की मूवमेंट थी, बहुत की रोल। अगर ये शायद नहीं होता या इनकी प्लानिंग नहीं होती कहा जाता है, तो शायद अदलिया बहाल नहीं हो सकती थी पाकिस्तान के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर मलिक साहब। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और रियाज हक साहब मौजूद हैं, जिनको आप देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, और इनके व्यूज से काफ़ी हद तक आप लोग आगाह भी हैं। मुनीर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। पहला मुझे मैं उस मिनट से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि आपके पास पहली कॉल आई या आपके पास कोई आया इसने आपको बताया कि जी मुशर्रफ साहब ने फायर कर दिया है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को सेक कर दिया है, और क्या आपके फर्स्ट क्या आपका प्लान था, क्योंकि आप उस वक्त सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, क्या आपके जहन में आए? मैं अपने होटल में आया हुआ था इस्लामाबाद। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट बार की कमेटी की मीटिंग थी, तो तकरीबन 5:30 बजे किसी जर्नलिस्ट का मुझे फ़ोन आया कि आपने देखा टीवी पे, आपका क्या रद्द अमल है। मैंने कहा क्या देखा? कहा कि चीफ जस्टिस को मुअत्तल कर दिया गया है। तो आई टोल्ड हिम कि थोड़ी देर में फ़ोन कीजिएगा। मैंने टीवी ऑन किया तो मैंने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक सोफे पे बैठे और एक वर्दी में जो है जनरल बैठा है। मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि दिस कैन नॉट बी ऑन। अच्छा, ये अदलिया पे एक फ्रंटल असॉल्ट है, एंड दैट्स द पोजीशन आई टुक। तो उसमें आपने आपके पास कोई प्लान, आपने उसी वक्त बैठ के कोई मीटिंग कॉल की, आपने प्लान किया कि अब हमने ये करना है, और आपका क्या क्या तय किया, आपने क्या स्क्रिप्ट लिखा आपने कि हमने ये करना है इसको बहाल करने के लिए? मेरा तो पहला इंस्टिंक्ट ये था कि इवन इफ आई एम अ मेजॉरिटी ऑफ वन, मेरा ज़मीर ये बोलता है कि दिस कैन नॉट स्टैंड, और मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सदर हूँ, तो मैं उसको इसी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट बार को लेके चलूँगा। ठीक है। तो मतलब जो आपने विजन किया उस वक्त, जो आपका विजन था 2007 के अंदर की हम अदलिया बहाल करेंगे, और जो मैं जो समझा आपका विजन अदलिया बहाली का था, कोई एक 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 आदमी से या एक शख्सियत से मुंसलिक नहीं था, क्या वो विजन आपका क्या विजन क्या था, और क्या वो विजन आपने पा लिया अदलिया बहाली करके? विजन जो है वो ये नहीं था कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है रिस्टोर हो। ठीक है। विजन ये था कि हमें एक ऐसा माशरा कायम करना चाहिए जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ द रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, आईन की हुक्मरानी हो। ठीक है। और ये जो उनकी मौतली थी, उनकी इफ्तिखार चौधरी साहब की, इफ्तिखार चौधरी साहब की, ये तो उसका एक सिम्टम था। जो रियल इशू था वो था मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी और कानून की बालादस्ती। ठीक। और ये आपने हासिल कर लिया इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद? कानून में बड़े सवाल आते हैं। कानून की बालादस्ती जो है ना, वो एक जिंदगी का सफर है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। हर अमेरिका में भी जो है कानून की बालादस्ती एक चलता हुआ सफर है। तो उसमें हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले किया, नहीं कदम उठाए हैं। सबसे तवील सफर भी जो है एक पहले कदम से उसका आगाज होता है। हमने अपने माशरे को उस रास्ते पे ज़रूर डाला है जिसकी मंजिल जो है वो कानून की हुक्मरानी। सब आप की जब मूवमेंट चल रही थी, आप उस पर भी क्रिटिक थे इस मूवमेंट के, और क्या वजह आपके क्रिटिक होने क्या हो जाती है आप जब मूवमेंट चल रही थी? नहीं, जब ये इन्होंने हटाया है मुशर्रफ साहब ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को, तो वो मेरे लिए भी बहुत शौक था, क्योंकि जब मैंने वो तस्वीर देखी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जनाब वो उनको सामने उन्होंने बिठाया हुआ है,
और उनको स्टोरी ये थी कि उनको फायर कर दिया गया. तो वो ऑब्वियस था, इट वाज अनएक्सेप्टेबल टू मी कि ये क्या तरीका है ये. लेकिन आपने लॉयर्स मूवमेंट का साथ नहीं दिया था, उसके भी खिलाफ. लॉयर्स मूवमेंट ने जो मेथड्स यूज किए उसके बाद, उसके मैं खिलाफ था कि जनाब मकसद आपका है कि कानून की बालादस्ती कायम करना और आप कानून के खुल्लम खुल्ला क्या किया मसलन? मार पिटाई कर रहे थे भाई लोगों को. लेकिन वो जो हर हर जो लोग मुशर्रफ के फेवर में को अगर वो बोलने भी आता था वहाँ प्लाई कार्ड लेके आता उसकी पिटाई कर देते. तो हमारा माशरा का एक वो है ना कि जब भी कोई लेकिन कौन कर रहा था ये कोई एवरेज यू नो आदमी नहीं कर रहा था. ये वो लॉयर्स थे जो कि रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए लड़ रहे थे. तो अगर आप तो फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इन चीज़ों को कि जनाब जो अगर कानून की अगर आप बालस्ती दस्ती चाहते हैं, अगर आपका इतना बहुत ये लॉफ्टी गोल्स हैं तो यू हैव टू लिव अप टू देम. नहीं नहीं लेकिन मैं मुनीर साहब आप अगर आता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए, रीइंस्टेट वो हो चुके थे, उसके बाद जो इशू जो आया फिर उसके बाद मुनीर साहब ने एमरजेंसी लगा दी. उसके एमरजेंसी के बाद मैंने ये देखा जब इफ्तिखार चौधरी साहब फिर आपकी मूवमेंट ने एक और दफ़ा जोर पकड़ा, उसके बाद भी इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए. लेकिन इस पूरी जो एक एक जो सफ़र है इसके अंदर एक चीज़ नज़र आती है कि इफ्तिखार चौधरी साहब जब एक बार चीफ जस्टिस बन के सामने आ गए और उनको बहाल कर दिया गया, जो आपके मुतालबात थे उसमें आप बाद में प्रेसिडेंट भी नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जो मुतालबात थे वो थे कि इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल होना है, वो बहाल हो गए. लेकिन उनके जो इकदाम हैं क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं? देखें सबसे पहले जो है इसको आप इस पस मंज़र में देखें कि जो पहली फेज थी स्ट्रगल की जो 20 जुलाई 2007 तक की थी, उसमें यह था कि ये जो तरीका एक कार इख्तियार किया गया है एक सिटिंग चीफ जस्टिस को जो है सस्पेंड करने का, उसको मुअत्तल करने का, ये गैर आइनी है. हमने उस दौर में एक मिसाली जद्दोजहद चलाई, वो इस सेंस में कि एक हमने गमला नहीं तोड़ा, एक दरख्त का पत्ता हमने नहीं खींचा, वो बिल्कुल पीसफुल थी. इसके बावजूद इस तहरीक पर तशद्दुद हुआ. 12 मई 2007 आपके सामने हैं जब कराची आपके घर पे फायरिंग कराई गई. वो तो खैर कराची में लहूलुहान हुए लोग, साहिवाल में पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो वकला थे तेजाब फेंका गया, वो एक शमा टॉर्च लिट प्रोसेशन लेके जा रहे थे उनके ऊपर केरोसिन फेंका गया. इस्लामाबाद में अगर हम चीफ जस्टिस साहब के घर नमाज के लिए नहीं रुकते तो हम सब बम से उड़ जाते इस्लामाबाद बार के अंदर. जो हुआ जब फर्स्ट फेज में हम कामयाब हुए और हमारी स्ट्रगल बिल्कुल पीसफुल थी, तो फिर हम में दो राय थी. एक ग्रुप ये कहता था कि हमारे मकासद पूरे हो गए, एक राय थी जो वकला क़यादत जो है सब्सक्राइब करती थी. हम कहते थे कि जब तक हम ये इंश्योर नहीं करते कि आइंदा ये कभी रिपीट नहीं हो तब तक हमारी जद्दोजहद नामुकम्मल है. और वो हमने कैसे करना था, हमने इस मुल्क में आईन के तहत सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ बढ़ना था. क्या था, सुप्रीम कोर्ट इसी बात का फैसला कर रही थी ना कि क्या जनरल मुशर्रफ जो है वो वर्दी के अंदर एक और टर्म के लिए सदारती इंतखाब लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं. कानून की हुक्मरानी उस बेंच में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी उसके मेंबर नहीं थे, वो बेंच वो केस सुन रही थी. उस केस की हेयरिंग के दौरान जो है ये 3 नवंबर की इमरजेंसी जो है नाफिस की उस बेंच को तोड़ने के लिए और एक ऐसा नतीजा अक्स करने के लिए हासिल करने के लिए जो जनरल को सूट करता था. चार्ज क्या था, चार्ज ये था कि इस अदालतों ने जो है टेररिस्ट को जो है छोड़ दिया है. अरे भाई उन जजेस को तो इन्होंने रिटेन किया, नवाज अब्बासी को रिटेन किया, अब्दुल हमीद डोगर को रिटेन किया, वो उस बेंच का था. तो सेकेंड फेज में हमारी तहरीक के अंदर जो है ये भी बड़ी कोशिश की गई थी कि फर्स्ट फेज़ के अंदर भी हो, लेकिन सेकंड फेज़ के अंदर हमारी तहरीक के अंदर फिफ्थ कॉलम में आए थे
वकला क़ियादत इटसेल्फ, उसने हमेशा शेर अफगन नियाजी के इंसिडेंट से अपने आप को डिस्टेंस किया। हमें तो यह भी याद है कि वो लाहौर से काले कोट पहना के और गुजरात से काले कोट पहना के, जो लोग वकील भी नहीं थे उनको हमारे जुलूसों में शामिल कर दिया जाता था कि तशद्दुद हो। इसमें कुछ नहीं, लेकिन आप एक चीज़, जब अब्दुल हमीद डोगर साहब बन गए उस वक्त आप लोगों का, जरदारी साहब की हुकूमत आ गई, आप लोगों का मुतालबा यह था कि जी ये पी सी यू ज़्यादा जज हैं, ये जज नहीं बनने चाहिए। तो इससे तो मैं और पहले चला जाना चाहिए, आपकी मुतालबा यह था जी पी सी यू ज़्यादा जो जज हैं वो नहीं बनने चाहिए। मैं 99 में चला जाता हूँ, जब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी मैं हल्फ नहीं लूँगा और वो पी सी यू ज़्यादा जज नहीं बने, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ना सिर्फ हल्फ लिया बल्कि मुशर्रफ साहब को आइन के अंदर तरामीम करने की भी इजाज़त दे दी। आप ऐसे, आप जो एक रूल ऑफ लॉ के को सपोर्ट करने वाले आदमी, आपका उस पर क्या फीलिंग थी जब ये सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब गए और इफ्तिखार चौधरी साहब ने आके इतनी इतनी बड़ी उनको जो है पावर दे दी, एक आमिर को, एक डिक्टेटर को दी, आप तरामीम करें आइन के अंदर? जी आपकी बात दुरुस्त है, हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि 2007 से पहले की जो अदालतें थी वो आज़ाद थी, या हम उनका कोई पीसीओ पे हल्फ उठाने का ब्रीफ होल्ड करते थे, हम उसकी मुखालिफत करते थे। हमने सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और जस्टिस वजीउद्दीन, इस तरह के लोगों को ऑनर किया, दूसरों को नहीं किया हमने। इफ्तिखार चौधरी साहब के पीसीओ को हमने इसलिए टॉलरेट किया क्योंकि पार्लियामेंट ने 17वीं तरमीम के अंदर जो है उसको वैलिडेट किया। ठीक है, फिर हमारा तज़िया ये था कि अब 17वीं तरमीम के बाद ये एक आग से गुज़रे हैं, एक ऐसी भट्टी से गुज़रे हैं जिसमें अब ये अदलिया की आज़ादी का दिफा करेंगे। अच्छा, तो अभी धुल गए, क्लीन हो गए। देखें, माजी के से आदमी बिल्कुल तो ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरी पार्लियामेंट जो है वो 17वीं तरमीम के अंदर वैलिडेट करती है, कम अज़ कम ये वो इफ्तिखार चौधरी है जिसकी अदालत ने कहा कि अब तो कोई पार्लियामेंट इसको वैलिडेट भी नहीं कर सकती है नए मार्शल लॉ को, देखें किस तरह से रास्ता रोका है। आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ आपके पास? नहीं, यही मैं इस डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो कि जब उनको सूट करता था उस वक्त तो वो पीसीओ भी एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है, और हर चीज़ को, यानी यहाँ तक गया वो जो फैसला जो इनका है, इट इज़ शॉकिंग। जो यू नो, इवन द गवर्नमेंट डिड नॉट सीक दैट, मुशर्रफ डिडंट आस्क फॉर द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी वे ही चोज, लेकिन जो अदालत का फैसला इनका, देखें इफ्तिखार चौधरी साहब का जो फैसला है पहला, उसमें उन्होंने इनको इस बात का हक दे दिया कि जिस तरह चाहे तरमीम कर दें आईन की। वो उसका फैसला नहीं है, इरशाद हसन खान का फैसला है। हाँ, लेकिन ये भी थे उस बेंच में, उस बेंच के जरूर मेंबर थे, लेकिन आप उसमें शामिल थे। आपकी बात जो है, मुसलमानों का सबसे पहला सिपासालार जो था वो पहले हजूर के खिलाफ जो है जंग भी लड़ा था, क्या नाम था, खालिद बिन वलीद नाम। हाँ, तो ये बॉर्न अगेन मुसलमान है, ये सब आपके ख्याल में? ये एक भट्टी के थ्रू गुजरे, ये एक अवामी जद्दोजहद। तो भट्टी क्या थी? भट्टी वो थी ना कि जब इनको डायरेक्टली, जब इनके ऊपर आँच आई, यानी इनके बेटे ने जो कुछ किया था, उस पे हम आते हैं। नहीं नहीं, उसमें जो रेफरेंस इनके खिलाफ फाइल किया गया था, जिस पे मुशर्रफ ने इनके खिलाफ एक्शन लिया, उस वो इसकी बुनियाद यही थी। आप उसको पढ़ें जरा उठा के, कि जनाब ये नेपोटिज्म कर रहे हैं, अपने ओहदे को, अपनी हैसियत को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि कानून के और आईन के बिल्कुल खिलाफ जो एक्शंस ले रहे थे। उस चार्ज को तो क्वाश किया ना पूरे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा यह चार्ज जो है मैलिफाइड है, ये बदनीयती पे मबनी है। हाँ, इसलिए बदनीयती, उनके उनको उन पर असर आ रहा था ना, कि अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने आप को डिफेंड कर रहे थे वो, बजाय इसके कि जो चार्ज है उसको इन्वेस्टिगेट करें और उस पर अमल करें। और वो चार्ज जो है वो रहा अब भी, इवन टुडे इट स्टैंड्स अनरिजॉल्व्ड, आज भी ये इश्यूज हैं। अच्छा, लेकिन रियाज साहब, आपको उससे वो है, लेकिन आपको के जो जिस तरह से रेफरेंस को नहीं सुना गया, आपको उससे प्रॉब्लम है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जो प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, डिसीजन उस फैसलों से आपको प्रॉब्लम है, लेकिन जो वकला के खिलाफ जो तहरीक, वकला को जो जदोकूब किया गया, जो जेलों में डाला गया, जो मजालिम किए गए, उससे तो आप एग्री करेंगे ना, गलत किया गया मसला ये है। वो आई एग्री ओके, उन्होंने जो ज्यादती की है कि ये अदलिया के उस फैसले को तो सराहते हैं,
जिसमें वो मार्शल लॉ को वैलिडेट करती है। मैं नहीं सुनाता, मैं तो कहता हूँ कि जब वो गलत किया था उन्होंने तो फिर तो मुशर्रफ शुरू से ही इलेजिटिमेट था। तो फिर आपने क्यों टॉलरेट किया, इन लोगों ने उनको क्यों इतने अरसे टॉलरेट इसलिए किया कि जब आपके, अब जब आपको जब अपना मसला हुआ, जब आपके बेटे के ऊपर जनाब उंगलियां उठी गई, तब आपने जनाब 2007 में यही इशू आई थी। ठीक, मैं जी ये बड़ा एक वैलिड सवाल है कि उस वक्त आपने जब सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने मना किया और इफ्तिखार चौधरी साहब इस तरह के डिसीजन ले रहे थे, उस वक्त आपने कभी सोचा कि हमें अभी भी तहरीक स्टार्ट करनी चाहिए? हम तो कहते थे, हम आज से नहीं, हम कहते थे तहरीक का मतलब ये है कि हम माजी की अदालतें नहीं चाहते हैं, हम एक नई माजी की अदालती तो चाहते थे आप? नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब माजी के ही तो थे। नहीं, माजी की अदालतों को बदलने के लिए सबसे पहला असूल ये होगा कि ऐसे शख्स की अदालत की सरबराही करे जो जनरल के आंख में आंख डाल के देख सके और बोले मैं इनकार करता हूँ। आपको फिर इसलिए लड़ना चाहिए था जस्टिस वहीउद्दीन के लिए, आपको लड़ना चाहिए था जस्टिस सईदुज्जमान के लिए, जिन लोगों ने आंख में आंख डाल के कहा कि हम तुम्हारी इस बात को नहीं मानते, लेकिन उनके लिए तो आप खड़े नहीं हुए और चौधरी साहब के लिए आप फौरन खड़े हो गए। देखिए, चौधरी साहब की जद्दोजहद सिर्फ बुकला की जद्दोजहद नहीं थी, चौधरी साहब की जद्दोजहद जो है सिविल सोसाइटी की जद्दोजहद थी, जिसमें सबसे बड़ा सिविल सोसाइटी उस वक्त कहाँ थी, जिसमें मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो गालिबन मीडिया का था, आजाद मीडिया का था, वो मुशर्रफ ही किया था। अगर हमारे बस में होता, अगर मुशर्रफ ने क्रिएट किया था, अगर सिविल सोसाइटी, देखें ये इसकी अपनी एक मैकेनिक्स थी, इस पर लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास 1999 में ये हथकंडा होता कि हम आवाम को मोबिलाइज कर सकते, वकला तो 1980 में जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ भी उठे हैं, वकला की तहरीक जो है की जो तारीख है वो इस बात की गवाही देती है कि उसने हर अमरीत का डट के मुकाबला किया है। अब अगर कोई बंदूक लेके मेरे घर में आ जाए और इस रेजिस्टेंस को स्टाइफल करे, तो उसका ये तो नहीं मतलब कि मैं पूरी उम्र जो है ये कहूँ क्योंकि माजी में मैं नहीं खड़ा हुआ था, मैं आज भी नहीं खड़ा हूँ। अच्छा, वकला में आप अदलिया को शामिल करते हैं? अदलिया वकील नहीं होती? बिल्कुल, उन्हीं वकीलों ने हर आमिर का साथ दिया, हर आमिर को लेजिटिमाइज किया, उसको सपोर्ट किया, उसके नए नए कानून को माना और उस बल्कि उसको हक दे दिया कि जिस तरह चाहे वो आइन बदल। मैं इस बात का कहां इनकार करता हूं कि हमारे वकला की सफों में शरीफुद्दीन पीरजादा भी हैं, मलिक कय्यूम भी हैं, हमारी सफों के अंदर जो है एक ब्रोही भी ऑर्डिनरी वकील नहीं है, हमेशा हमेशा ये वो हैं जो कि ऊपर ऊपर आए, यू नो दे वर द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स। इसी माशरे के खिलाफ हम जब अदलिया बहाल हो जाती है, आपका जो गोल था वो आपको आपने हासिल कर लिया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हो गए, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की वो पूरी हुई? देखे, वकला तहरीक की इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से ये एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी सरबराही में अदालतें जो हैं वो किसी आमिर के सामने नहीं झुकेंगी, और मैं ये फख्र से कहता हूं कि हमने जो जहन बदले हैं, अब अगर कोई नया इंटरवेंशन आता है तो कम से कम इस अदालत में जो जज साहिबान हैं वो उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। अच्छा, सही। या उन्हें ज़बरदस्ती बंदूक की ताकत पे घर भेजना पड़ेगा, या वो इसको रेजिस्ट करेंगे, या फीजी की तरह जो है वो पीपल के दरख्त के नीचे अपनी अदालत लगाएंगे। आपकी तकरीर में तो ये भी था ना कि कानून की बालादस्ती होगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा, यहाँ तो लोगों को इंसाफ कहाँ मिला? अच्छा, दूसरी मैं एक और तरफ आता हूँ कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हो गए, उसके बाद देखा ही जाता जो जिन लोगों ने बड़ा एक की रोल प्ले किया, जिसमें आप शामिल थे, एतजाज़ अहसन साहब, आसमान जहांगीर साहब, वो बरमला खुल के जो है ना इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ उन्होंने गुफ्तगू करना स्टार्ट कर दी। जब अरसलान इफ्तिखार का केस हुआ है तो उस वक्त तो खुल के लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया उनको, लेकिन आप आज तक उनके साथ खड़े हैं इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, आप क्या देखते हैं कि उन्होंने वही उनका जो बेटा था जिसकी वजह से उनके खिलाफ रेफरेंस हुआ था, उसका इतना बड़ा स्कैंडल निकल के सामने आया और जिस तरह उसको इफ्तिखार चौधरी साहब ने हैंडल किया, उसके बेटे ने कानून को तोड़ा है तो उसको सजा होनी चाहिए, अगर जनरल मुशर्रफ ने कानून को तोड़ा है उसको सज़ा होनी चाहिए। हम उस माशरे की जद्दोजहद कर रहे हैं जिसमें हर आदमी कानून के सामने बराबर है, जिसमें कानून की बालादस्ती है, तो अगर अरसलान इफ्तिखार ने कानून तोड़ा है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कहाँ उस केस, मुझे नहीं पता केस का स्टेटस, आपको पता है कहाँ गया वो केस? इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस केस को दबा दिया। एक मिनट, अब
सुप्रीम कोर्ट जो है ना ही वो जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 6 में ट्राई कर सकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 184(3) के अंदर जो है अरसलान इफ्तिखार को ट्राई कर सकता है। इन दोनों की ट्रायल का, और शुक्र है कि हमारा निज़ाम ऐसे है कि एक इन्वेस्टिगेटिव गेटिंग एजेंसी है और एक फिर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है और फिर एक जुडिशल एजेंसी है। तो अरसलान इफ्तिखार का केस जो है वो रेगुलर क्रिमिनल प्रोसेस के थ्रू गया जाएगा और गया है। अगर वो रेगुलर क्रिमिनल प्रोसेस में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो बायस्ड है या वो नेक नियति से जो है इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, तो उसके पास कानूनी चारा जो है मलिक रियाज के पास। क्या इसमें वो मलिक रियाज तो खुद बोलता है, वो तो खुद ही एक कि मैंने अरसलान को पैसे इसलिए दिए थे कि वो जुडिशियल डिसीशंस को इन्फ्लुएंस कर सके, दुरुस्त, ठीक है ना, ये उसका स्टेटमेंट है, तो वो तो जुर्म का इकरार करता है। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ये देखना है कि अरसलान इफ्तिखार की क्या कल्पेबिलिटी थी। अगर उसकी कल्पेबिलिटी है तो उसको बिल्कुल कटहरे में ला के सजा देनी चाहिए, और ये बड़ा घनौना जुर्म होगा अगर उसने पैसे लिए हैं कि मैं अपने बाप को इन्फ्लुएंस करूंगा। लेकिन ये तो मलिक रियाज ने भी कंसीड किया कि उसके बाप के पास कोई ऐसा केस नहीं था या उसने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया जिससे मुझे कोई फेवर मिला हो या नहीं किया। ये तो बड़ा की पॉइंट है रियाज साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं। वैलिड पॉइंट, पहली बात तो ये है कि अगर ये सही कह रहे हैं कि कोर्ट को इस बात का हक नहीं है कुछ कर सके इस सिलसिले में, तो फिर ये हर दूसरे तमाम केसेस में सो मोटो क्यों ले रही है? और इवन इस केस में सो मोटो लिया, उनको बुला लिया और उसके बाद फिर उसको दबा दिया, और न सिर्फ सो मोटो लिया बल्कि खुद उस बेंच पे बैठे हुए थे हजरत, वो तो लोगों ने शोर मचाया कि भाई ये क्या है, आप खुद बेंच पे बैठे हुए हैं, फिर जाके उन्होंने रिक्यूज किया। उसके बाद कोई भी ऐसी सब्सटेंटिव हियरिंग नहीं हुई थी जिसमें चीफ साहब बैठे हों, साबिक चीफ साहब वो थे बेंच में, जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जो सो मोटो लिया था उन्होंने खुद पर्सनली लिया था। वो तो देखे ना कि अगर वो इसलिए सो मोटो लिया कि अगर मेरा बेटा भी होगा तो वो इस ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर नहीं होगा, इसलिए उसको बचा लेंगे, लेकिन नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है। देखें, आप सो मोटो ज्यूरिस्डिक्शन को समझते नहीं है रिया साहब। सो मोटो ज्यूरिस्डिक्शन आर्टिकल 184(3) में एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन जिसका ताल्लुक फंडामेंटल राइट्स की रियलाइजेशन से है, वो 184(3) की ज्यूरिस्डिक्शन दो प्राइवेट शहरियों के अंदर जो है डिस्प्यूट्स तय करने के लिए नहीं है। ये आपने वेज बोर्ड के केस में देखा होगा जिसमें जर्नलिस्ट आए थे कि मालिकान जो है MA6 वेज बोर्ड अवार्ड के बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं। जो उसका अंडरटोन था वो ये था कि अगर मलिक रियाज ने अरसलान से मिलके सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है तो जो फंडामेंटल राइट था वो था आम शहरी का एक्सेस टू जस्टिस बिफोर एन इंडिपेंडेंट कोर्ट। इस एक्सटेंट तक सुअमोटो था, उसकी क्रिमिनल कल्पेबिलिटी के ऊपर सुअमोटो नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन FIS क्यों नहीं कराई, उसके लिए ज्वाइंट कमीशन क्यों बना दिया? आप मुझे ये बताइए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था ये कि जो FIA, आपने कभी FIA एक्ट का मुतालिया किया है? नहीं, मैंने आपको बताया नहीं कि लेकिन ऐसे केसेस में आमतौर पर क्या होता है, FIA इन्वेस्टिगेट करती है। आमतौर की बात नहीं है, FIA वो इन्वेस्टिगेट करेगा वो कानून की खिलाफ वर्जी जो फेडरल लॉ है, जैसे आपके अमरीका के अंदर है। अगर मैं किसी से पैसे लेता हूँ और उसको दगा देता हूँ तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसमें पुलिस का इख्तियार है। दगा नहीं, ये तो रिश्वत है, तो ये वो ऑफेंस नहीं है। ये तो रिश्वत ली गई है चीफ जस्टिस के अपने घर में बैठ के। तो ये फेडरल, वो जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे हजरत, वो चीफ, ये तो बिल्कुल लेमैन का सवाल करना, दिस इज द फेडरल ऑफेंस। आप जो अपने बाप की जो पावर्स हैं, कौन सा फेडरल ऑफेंस है, कौन सा सेक्शन है पीनल कोड का, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फर्ज कीजिए कि आप गवर्नमेंट के एक घर में बैठ के जो गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है उसको एज अ बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां, वो जुर्म है। लेकिन कौन सा जुर्म है, स्टेट का जुर्म, ये जुर्म नहीं है तो फिर इसके क्या होना चाहिए? तो भाई वो आम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है ना, तो फिर क्यों नहीं हो रही है? अगर आप हवाई जहाज से आते तो फिर वो फेडरल ऑफेंस, तो फिर क्यों नहीं हो रही है? अगर ये है जुर्म आपके ख्याल में, तो फिर क्यों नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हो चुकी होगी।
जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने बयान रिकॉर्ड किया होगा, मलिक रियाज का भी उसने बयान रिकॉर्ड किया होगा। क्या फिर चीफ जस्टिस ने दोबारा पूछा कि भाई क्या हुआ इस केस का, उन्होंने बुलाया उनको पूछने के लिए? जस्टिस कैसे पूछ सकता है जब वो अपने आप को रिक्यूज कर चुका? चीफ जस्टिस नहीं, उनके दूसरे जजेस पूछ सकते थे, उनके जो चाचा है, मामा है, सब इनके दोस्त जो हैं। एक और इशू है मुशर्रफ साहब की, मैं इस टॉपिक में खास हमने काफी बात कर ली, मुशर्रफ साहब के इशू पे आ जाते हैं। मुशर्रफ साहब का जो इशू है जिस वक्त आप देख रहे हैं, मुशर्रफ साहब हाउस अरेस्ट है, उनके खिलाफ एक चल रहा है, एक रेफरेंस चल रहा है। हाउस अरेस्ट नहीं है, फ्री मैन। चलें इस पे, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, he has travel restrictions, he cannot leave the country. क्या जजेस जो है डिक्टेट कर सकते हैं ये फैसला कि जी आप इनके खिलाफ जो है केस चलाएं? जजेस या ये एग्जीक्यूटिव का हक है? एग्जीक्यूटिव का हक है। तो जजेस ने कैसे किया? जजेस ने नहीं किया, शुरू जजेस ने किया? नहीं किया जनाब, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया था। नहीं, मैं उस वक्त अटॉर्नी जनरल था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई, उसमें ये कहा गया कि जनरल मुशर्रफ ने आईन को तोड़ा है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में, जिसके अंदर रेस्टोरेशन के बाद का जो फैसला है, और फेडरल हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया जाए, डायरेक्ट किया जाए कि वो मुशर्रफ के खिलाफ जो है आर्टिकल 6 का गद्दारी का मुकदमा चलाए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को और अटॉर्नी जनरल को नोटिस दिया। वो नोटिस में ये डायरेक्शन नहीं थी कि इनको जाके जो है आप इनके खिलाफ केस रजिस्टर करें, उसमें ये था कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या इरादा है। तो यू बेसिकली आस्किंग नो डायरेक्शन, हाँ, कि आपका क्या इरादा है। तो वो ऐसे ही पूछ रहे थे एक दिलचस्पी के तौर पर। बताता हूँ क्यों, आपको बताता हूँ क्यों पूछ रहे थे। वो इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उस मेन पिटिशन के अंदर ये एलिगेशन था कि एक आम आदमी अगर जुर्म करता है या जुर्म का ट्रायल फेस करता है, उसको तो आप ECL पे डाल देते हैं। क्या आप परवेज मुशर्रफ को कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि उसको फेडरल गवर्नमेंट ने जो है अभी तक जो है ECL पे नहीं डाला है? तो वो इक्वालिटी आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट को इन्फोर्स करने का हक है, उसके तहत जब फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस दिया तो मैंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पे तो जो मेरे साथ हुआ वो तो एक मैंने माफ़ कर दिया, अच्छा, लेकिन आईन को जो तोड़ा है उसको तो मैं माफ़ नहीं कर सकता, वो तो ना मेरा हक है। तो अगर आईन को तोड़ा है हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अच्छा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अटॉर्नी जनरल ने यह बयान नहीं दिया कि फेडरल गवर्नमेंट उसको ट्राई करेगी परवेज मुशर्रफ को, बयान यह दिया गया कि एक हाई पावर्ड और ये फेडरल ऑफेंस है, FIA एक्ट के अंदर है आर्टिकल 6, ये उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, कि एक हाई पावर्ड टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट होगी ताकि ये नहीं लगे कि ये विक्टर्स जस्टिस है, और उसकी सिफारिशात के बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। तो अगर वो तफ्तीश दिखाती कि कोई केस नहीं बनता है तो मुशर्रफ साहब के खिलाफ केस नहीं दाखिल होता। सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है ये आर्टिकल 6 के तहत। अच्छा, वो उनसे बस स्टेटस पूछ रही थी कि आपका इरादा क्या है। जी, आपका इरादा क्या है? इसकी हिस्ट्री इससे पुरानी, इनके अटॉर्नी जनरल बनने से पहले की हिस्ट्री है इसकी। ये जब जरदारी साहब की हुकूमत, जरदारी साहब की हुकूमत थी, जब इन्होंने बुलाया था, इनको कहा था कि भाई आप लोग इनको प्रोसिक्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट थी उस ज़माने में, फिर दोबारा इस केस को रिवाइव किया गया। हालांकि आर्टिकल 6 में खुद लिखा हुआ है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निसेंस ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड अंडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, सो दे वर नॉट इवन सपोज्ड टू टेक कॉग्निसेंस एंड दे टुक कॉग्निसेंस ऑफ इट एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग, देयर वाज नो कंप्लेंट। अच्छा, अब आप मुझे खाली वो बता दें कि इंटरिम गवर्नमेंट में या परवेज मुशर्रफ की, जरदारी साहब की गवर्नमेंट में वो कौन सा केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें आपने अभी ये बयान दिया? ये हुआ जस्टिस जब्बास जवाद ख्वाजा का, ये आप जाके हिस्ट्री देख लें। मैं तो उस केस में अपेयर हूँ। नहीं, आप तो बाद में आए हैं ना। नहीं, आपकी, आप जो अटॉर्नी जनरल बने हैं वो बाद में बने। आप जब इंटरिम गवर्नमेंट थे जब अटॉर्नी जनरल नहीं थे, जब जरदारी की गवर्नमेंट से जब आप अटॉर्नी जनरल नहीं थे उसके बाद आप आए हैं। यू अपीयर्ड ऑन द सीन लेट। उस गवर्नमेंट, ये पहली दफा जो है उस गवर्नमेंट के
दौर में, इंटरिम गवर्नमेंट के दौर में मुशर्रफ साहब वापस आए हैं जस्ट बिफोर द इलेक्शन, गालिबन उस साल जनवरी में या कभी वापस आए हैं। ठीक है, तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान जो है एक पिटिशन, ये जो पिटिशन थी ये फाइल की गई। मैं व्यूअर्स के लिए कहना चाहता हूँ कि इस पे ऊपर मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था जब ये हुआ है, उसकी डेट देख ले लोग जाके और मेरा डिस्कशन देख ले। मेरा हमने डिस्कशन कर लिया पब्लिक को, मेरा अच्छी मटेरियल दोनों तरफ का मिल गया। इससे आगे चलते हैं, एक बात से शायद अग्री करेंगे ना, अगर केस चलाना ही है मुशर्रफ साहब के ऊपर तो चलाया जाए 1999 से और उन सारे लोगों को जिन्होंने उस वक्त आईन तोड़ा, क्योंकि ये 2007 की जो इमरजेंसी ये तो उसका एक बच्चा है, मदर तो वो है 1999। आप इससे एग्री नहीं करेंगे कि ये केस वहां से चला जाए? अगर आईन पाकिस्तान इस बात की इजाजत देता हो कि 1999 से चले लोग अकाउंटेबल हों तो 1999 से लोग अकाउंटेबल हों, लेकिन अगर मेरे घर में 10 साल पहले चोरी हुई थी और आज चोरी हुई है तो मुझे ये ना कहिए आप कि इस चोरी पे प्रोसिक्यूट ना करें जब तक कि आप मुझे 10 साल पहले वाली, हालांकि चोर वही है, चोर वही है, चोर वही हो, चोर वही हो, उसका चोर का कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं किया जाए कि भाई ये हुआ है। अब मेरे पास मुझे देखना ये है एज अ प्रोसिक्यूटर कि मेरे पास सबसे लेस कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा है। इस केस में 1999 के अंदर पार्लियामेंट की इंडेमनिटी आ जाती है, 17वीं आईनी तरमीम आ जाती है जो कहती है कि वो टेक ओवर को हमने वैलिडेट किया। डोगर साहब ने टेक ओवर को भी वैलिडेट कर दिया था? डोगर साहब ने तो, पार्लियामेंट ने तो कभी नहीं किया। पार्लियामेंट ने उस वक्त जब ये इमरजेंसी नाफिज हुई है इसको वैलिडेट किया था, जिस इमरजेंसी पर एब्सोल्युटली देयर वाज अ वोट ऑन दिस इन द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट एंडोर्स्ड दैट एक्शन। पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन में और लेजिस्लेशन में बहुत फर्क होता है। पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन जरूर पास की थी और वो वाली पार्लियामेंट जो एक महीने में घर जाने वाली थी, लेकिन उसने कानून साजी नहीं की थी, उसने एक रेजोल्यूशन पास की। अच्छा, मैं इसकी दूसरी तरफ जाता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर एक बड़ा एक सीरियस किस्म का एलिगेशन लगता है कि इन्होंने बहुत 1000 के करीब जो है ना दहशतगर्द छोड़ दिए, और लाल मस्जिद के हवाले से भी इनके ऊपर बड़ा सीवियर किस्म के एलिगेशन है कि जी इन्होंने लाल मस्जिद के जितने दहशतगर्द उनको छोड़ दिया, और मुशर्रफ साहब का और जो जो बहुत सारे जो फौजी जो लाल मस्जिद ऑपरेशन में मारे गए उनका उनके कातलों को जो है छोड़ दिया गया, किस तरह देखते हैं कि मेरे, है? मेरे नॉलेज में कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब ने लाल मस्जिद के किसी अक्यूज़ को बेल दी हो। मेरे जहन में मौलाना अजीज को अगर इफ्तिखार ने बेल दी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको बेल नहीं दी। अब दोबारा आपने फैक्ट, लेकिन उनकी उनकी उस वक्त वो मुंसिफ आला थे, वो चीफ जस्टिस थे, उनके ही जमाने में कोर्ट ने दी थी, आप जाके देख लीजिए, ये लोग छूट रहे थे एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मलिक साहब के नाम से। तो आपके ग्राइप जो है वो इफ्तिखार चौधरी से है या उनके पूरे कोर्ट से? मुझे पूरे कोर्ट से है, लेकिन इट्स चौधरी कोर्ट बेसिकली, फिर आपकी अलग उनके उन्हीं वो चीफ जस्टिस से वो उधर उन्हीं के जमाने में मलिक साहब जैसे दहशतगर्द भी छूटे और वो खुल के अदालतें जो है ना वो पब्लिक ओपिनियन वो वोट नहीं लेती हैं कि ये आवाम ये बोल रहे हैं कि ये दहशतगर्द है या नहीं है। अदालतें जो हैं वो शुक्र है कि वो एविडेंस की बुनियाद पे जो है फैसला करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है वो प्रॉपर एविडेंस गैदर नहीं करके कोर्ट के सामने लाती तो बहुत से लोग जो है, आप कह रहे हैं उन्होंने कोई, क्योंकि जो है एविडेंस गैदर नहीं हुआ, मुझे बताना छोड़ दिया। आपने देखना ये है जी कि क्या किसी ऐसे केस में जिसमें सिमिलर एविडेंस हो उन्होंने एक रवैया अख्तियार किया और इस केस में दूसरा रवैया। सब ये समझने वाली बात है ना, जब आप जब उनके पास एविडेंस ही नहीं दिया जाएगा जजेस को तो वो क्या करेंगे जजेस? भाई जज खुद एविडेंस ढूंढ लेते हैं, जब मोटा केस होता है तो वो प्रेस रिपोर्ट्स की बुनियाद पे एविडेंस ढूंढ लेते हैं और उसको शुरू कर देते हैं। केसेस में हुआ है वो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, क्रिमिनल, यानी ये जो केसेस हुए हैं रेप वगैरह के जिसमें जस्टिस, ये तो क्रिमिनल केसेस में किसी में उसमें जनाब उन्होंने सोमोटो लिया और बुला लिया, सब कन्विक्ट कर दिया। और इस केस में यहाँ पर यानी वाजे था, आप शहर में फिर रहे हैं
और जनाब सबको थ्रेटन कर रहे हैं, बिल्कुल ऑब्वियस था उनके शहर में उनकी नाक के नीचे, और जनाब कॉन्स्टिट्यूशन को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको नहीं मानते। लेकिन कानून साजी का उसपे मसला है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट कानून साजी तो नहीं कर रहा, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट खुद ये देख सकता है कि हकायक क्या है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जरूरत नहीं है कि कोई सर्टन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही उनको आके बताइए, ठीक है, वो अपने विटनेसेस खुद कॉल कर सकते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट को इस बात की इजाजत है, जब सोमोटो ले सकते हैं तो सोमोटो का मतलब आप जानते हैं क्या है, सोमोटो का मतलब ये है कि जज इज प्लेइंग बोथ द जज एंड द प्रोसिक्यूटर, ये तो फिर इस तरह के सोमोटो से तो मैं, और इस तरह के हजारों सोमोटो हो चुके हैं भाई वहां पर, देखे सोमोटो प्रोसीडिंग जो होती है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, ये सोमोटो कैसे होता है, इसमें कौन एविडेंस लाता है, जज खुद देता है ना एविडेंस कि मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट हुई है। जी जी मुनीर साहब आप खत्म करें, काश के रियाज साहब कानूनदान होते तो थोड़ी बहस आसान हो जाती। रियाज साहब सोमोटो ज्यूरिस्डिक्शन जो है, हमारा जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है वो है एडवर्सरियल, इधर से एक प्रोसिक्यूशन डिफेंस एडवर्सरी, जो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184(3) की ज्यूरिस्डिक्शन है वो है इंक्विजिटोरियल, उसमें जज प्रोसिक्यूटर नहीं बनता है, प्रोसिक्यूटर नहीं बनता है, वो एक इंक्वायरी करता है, तो जज को चार्ज कर रहा है ना, एक मिनट मुझे ख़त्म करना, वो इंक्वायरी करके अगर वो देखता है कि दिस रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर एक क्रिमिनल मैटर है तो फिर वो क्रिमिनल एजेंसीज को जो है डायरेक्शन देता है कि आप इसको जो है परस्यू करें। जो टेररिज्म के केसेस वगैरह हैं, जितना प्रोएक्टिव इफ्तिखार चौधरी का कोर्ट रहा है, उसने कराची के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सुओ मोटो लिया, बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सुओ मोटो लिया, ये था फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करने का ऑफ द राइट टू लाइफ, ये नहीं था कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट की 184(3) की जजमेंट ज्यूरिसडिक्शन में कन्विक्ट किया जाए। एक कुछ सुओ मोटो ऐसे भी थे ना कि वो मुशर्रफ साहब की पार्टी की जो थी कोटो साहब वो ऐसे लोग वो उस पे भी सुओ मोटो लिए, तो सुओ मोटो तो एक्सेस भी लिए गए, आप इससे तो एग्री करेंगे, ये तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने उनको क्रिटिसाइज किया है, आसमा जहांगीर ने किया है, ये कानूनदान है, मैं कानूनदान नहीं, लेकिन ये लोग सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन जो है ये एक नया और यूनिक एक्सपेरिमेंट है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो है गारंटर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ का 14th अमेंडमेंट देखेंगे आप, जो बड़ी जद्दोजहद सिविल वॉर के बाद आया, उसमें यह है कांग्रेस विल इन्फोर्स द इक्वालिटी क्लॉज बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। ये एक बुनियादी फर्क है, जहां तक रह गया अतीका उदो का, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि दुनिया में रिकॉर्ड नंबर ऑफ सो मोटोस पाकिस्तान में, रिकॉर्ड नंबर दुनिया में इतनी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कहां है जितनी पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं ज्यादा है पाकिस्तान में, फंडामेंटल राइट्स को मानते ही नहीं, इतने डेवलपिंग कंट्रीज में यही हाल है। मैं यहां का जज हूं और तुम कहां से जो है ना जज बने हुए फैसले करते फिर रहे हो, उसका भी एक सुओ मोटो बनता था लाल मस्जिद के खिलाफ। नहीं, लाल मस्जिद के खिलाफ जो है उसके आप दो फेजेस हैं, एक है बिफोर द ऑपरेशन, ठीक है जी, एक है आफ्टर द ऑपरेशन, यही है ना। जहां तक उसका उसके अंदर जाना था वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन था, वो जुडिशियल एक्शन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के खिलाफ इन्फोर्स करता है, स्टेट ही है ना गारंटर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग दोज फंडामेंटल राइट्स। तो इसका कोई पैरेलल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने अतीका उदो का मसला छेड़ा है, मैं उनको जानता भी हूँ, देखें गालिबन इस मैसेज को देने में कि अतीका ओदो जो शराब की बोतल लाती है, या वो लियारी में जो कंतरी की बोतल जिसके कब्जे में जो है से निकाली जाती है, उसको तो पुलिस फौरन तुन देती है कि ये इक्वालिटी ऑफ लॉ। उसका तो ये भी था ना कि मुशर्रफ साहब की पार्टी का हिस्सा थी, इसलिए जो है उसको इस तरह से लिया गया। अच्छा, मैं आपसे सेलेक्टिव जस्टिस को आपका वो एजेंडा तो फुलफिल हो गया कि अदलिया बहाल हो गई, अब कोई ऐसा इन्फ्रेश एजेंडा जिस पे आप काम कर रहे हैं? नहीं, एजेंडा तो वही है जो एतजाज ने नजम लिखी थी, रियासत होगी माँ के जैसी, वो उस पर अभी भी आपको वो एक ड्रीम है। अच्छा,
वो ये तो नहीं कि एक दिन हम उठेंगे और पाकिस्तान बिल्कुल तब्दील हो चुका होगा, ऐसी तो बात नहीं है। या इफ्तखार चौधरी की रेस्टोरेशन से पाकिस्तान जो है उसको आपको पॉलिटिक्स में सारे आने का कोई मसाइल प्लान है आगे फ्यूचर में? नहीं। देखें, पॉलिटिक्स जो है, हर आदमी जो है वो एक पॉलिटिकल पर्सन होता है। ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटिकल पार्टिजन पॉलिटिक्स जो है, उसमें मेरा कोई इरादा नहीं है। और मैं समझता हूँ वुकला तहरीक की कामयाबी का एक बेसिस ये भी था कि उसकी क्यादत में अली अहमद कुर्द, मुनीर मलिक, तारिक महमूद, ठीक है, सारे नॉन पॉलिटिक, सारे ठीक पार्टिजन पॉलिटिक्स से बालातर थे। ठीक है। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रियाज साहब आपका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। ऑडियंस, आपने दोनों आजादी की गुफ्तगू सुनी, हमने खोल की किताब को सामने रख दिया, आपने दोनों आजाद को सुना, मुनीर मलिक साहब ने बहुत ही जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लॉजेस बता बता के जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके साथ ही व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज फराज दरवेश को इजाजत दीजिए, देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। Thank you.